मोटर्स के चार्ट से एक बार देखते हैं कपिल। टाटा मोटर्स हम देख रहे हैं आज दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ, 2.5% तक की तेजी है। और ऑफकोर्स जेएलआर टर्न अराउंड स्टोरी तो है ही टाटा मोटर्स के लिए, जो कि एक बड़ा बेनिफिशियरी साबित होता दिख रहा है। पीवी स्टॉक की अगर बात करें, पीवी सेगमेंट के लिहाज से बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है टाटा मोटर्स, और साथ ही सीवी लीडरशिप भी और जेएलआर इलेक्ट्रिफिकेशन में भी इन्वेस्टमेंट्स की कई सारी खबरें हैं। तो फंडामेंटली ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जो कि टाटा मोटर्स के लिए प्ले आउट भी हो रहे हैं। 580 के लेवल्स हैं और ताजा ब्रोकरेजेस का माने तो 630 तक जा सकता है ये स्टॉक। आज की इस तेजी को कैसे खेला जाए कपिल? ओके, टाटा मोटर्स तो बेसिकली इस महीने में तो हमें अभी तक 10% अपसाइड मोमेंटम तो देखने मिला ही हुआ है, और आज भी काफी दिनों के मोमेंटम तो इसका पॉजिटिव में रहा हुआ था, और हर एक बार जो इसका मोमेंटम आना, स्टॉक का पॉज लेना और फिर से स्टॉक का ऊपर जाना, वो काफी एक हेल्दी साइन भी होती है। जो इसके शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हम देख रहे हैं तो वो लगातार उसको पकड़ के ही स्टॉक चल रहा है, और आज के दिन में हमें एक छोटा सा 6-7 दिनों का जो रेंज था उसका हमें ब्रेकआउट भी देखने मिल रहा है। स्टॉक हालांकि एक रेजिस्टेंस लेवल के यहाँ पे आ गया है, लेकिन स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर जैसे हम देखते हैं तो वहां पे ऐसा लग रहा है कि ये भी इसका ब्रेकआउट का हमें देखने मिल जाए, जो 580 का इमीडिएट हर्डल लेवल्स है, तो इसका ओवरऑल तो ऑप्टिमिज्म तो बनता ही है। एक झलक में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से और काफी इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन इसका ईयरली चार्ट पे बना हुआ है। मैं ये स्टॉक को तकरीबन 1996 के चार्ट्स को यहाँ पे देखता हूं, तो उसने 3 बार कुछ इस तरीके से साइकिल बनाई हुई है कि 6 साल के लिए नीचे रहा हुआ है, 6 साल के लिए ऊपर रहा हुआ है, फिर से 6 साल के लिए ऊपर रहा हुआ है, 6 साल के लिए नीचे रहा हुआ है। ये पैटर्न सिर्फ 2007-08 में काम नहीं आई थी, बाकी के 6 साल के इसके एक साइकिल चल रही है। तो अभी का जो ये ईयर चल रहा है स्टॉक का, तो उसको ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं, तो फ्रॉम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव स्टॉक में ब्रेकआउट तो है ही, और मुझे आने वाले 2 साल बेस्ड ऑन जिस तरीके से इसकी साइकिल बनी हुई है, 2 से 2.5 साल में भी टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहे, वैसे मेरी एक टाइम वाइज सिमेट्री बैठती है यहाँ पे। बहुत अच्छे से आपने पूरा रैशनल समझाया टाटा मोटर्स के लेवल्स और टाइम फ्रेम्स की भी बात की, लेकिन एक